लॉलीपॉप का बराबर इस्तेमाल हुआ कि नहीं। थैंक यू बोली, थैंक यू बोली नहीं। सुबह सुबह ये देख के ये रूम एंटर करता हूँ, आहा क्या मजानी फीलिंग है। किधर गया बुक मार्कर्स? इधर देखो, एक्चुअली इसका कलर है व्हाइट ना, इसके ऊपर रखा तो वो दिखेगा नहीं। कि आजकल क्या कर रहा हूँ पता है, मैं थोड़ा इधर का पढ़ता हूँ, थोड़ा उधर का पढ़ता हूँ, रस अच्छा लगता है। लेकिन एक ही बुक अगर लेके बैठते हो ना तो वही माहौल में रहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करता हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा फन, थोड़ा फिलोसफी, थोड़ा प्रोडक्टिविटी। सबसे बेस्ट मतलब दो व्लॉग ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, एक जाएगा फेब 15, एक जाएगा फेब 18। ये अभी फेब 15 मतलब 8 बजे बराबर लाइव होने वाला है। अभी ये अगर रिफ्रेश किया तो आपको ये दिखेगा लाइव, पब्लिक हो जा रही, ये देखा पब्लिक। फर्स्ट क्लास इडली है आज, चटनी और सांबर। और ये देखिए मेरे कपड़े डाल के बैठी है इधर। I'll wash it and give you back on. Okay. देखो मॉम को भी पता चला कि मैं ब्लॉग मैंने शुरू किया है, तो ये व्हाट्सएप में सब वीडियोस भेज रही है। पोहे नहीं है, चिवड़ा का है। इसका मतलब क्या, ये भी वीडियो ब्लॉग में आना चाहिए। ये देखो अभी मेरे स्वेटशीट पे, ये देखो मेरे स्वेट शर्ट्स में भी हाथ मारियो, सब हाथ मार रही है। You should be happy about it. सब हाथ मार रही है। और ये देखो मैं फाइनली, ये जो पुलोवर दिख रहा है आपको, कम से कम मुझे लगता है 3 महीने से मैं सोच रहा हूँ कि ये कब डालू। I motivated you. तो इसने बोला कि ये डाल दे भाई, क्यों पता नहीं मुझे, वो अच्छे कपड़े वो हैंगर में ही अच्छे लगते हैं। तो मुझे एवरी टाइम लगता है कि यार वो फंक्शन में डालेंगे, ये फंक्शन में डालेंगे। क्या मैंने 2-3 ड्रेसेस 2-3 साल पहले लिए रहेंगे जिसके मैंने आज तक टैग्स नहीं निकाले हैं, यही सोच के ये फंक्शन में वो फंक्शन में। जब पहनने का टाइम आता है तो आई फील ये इसके लिए थोड़ा ज्यादा है, ये इसके लिए थोड़ा कम है। जो ऐसा नहीं, एक्चुअली कभी कभार मैं भूल भी जाता हूँ कि क्या मैंने शॉपिंग की थी। एक पॉइंट तो मैंने अभी आउट ऑफ ऑफिस डाला है, हम लोग अभी जा रहे हैं डॉक्टर साहब को मिलने, नहीं डॉक्टर साहिबा को मिलने। पूरा का है अल्ट्रासाउंड, देखेंगे क्या बोलती है डॉक्टर। नहीं एक मस्त परफ्यूम मारा अभी, देखो बराबर डार्क दिख रहा है इधर, एक और दो। थोड़े लोग बोलते हैं कि उस गले के ऊपर परफ्यूम मार के जाओ कि खुद को भी थोड़ा स्मेल आ जाए। ये देखो टैग भी निकाला नहीं था। ये देखो रे सब, इतना महंगा वाला का स्वेटशर्ट पे पहन के जा रहा हूँ। एवरी टाइम अपॉइंटमेंट हम लोग जाते हैं और एवरी टाइम मैं मास्क भूल जाता हूँ, तो ये हॉस्पिटल लोगों को भी पता है। वो जब मैं एंट्री मारता हूँ ना तब वो लेते हैं, ए बाबा ये ले मास्क तेरा। ये है नूपुरा का हॉस्पिटल जहाँ पे वो आती है एवरी ट्यूसडे। फिलहाल के लिए तो एवरी ट्यूसडे है, लेकिन उसके पहले मंथली मीटिंग था। बेबी का पोजीशन कैसा था पता है? एक हाथ है, ये सर्विक्स है, ये सर इधर हेड है। ये सिर्फ केटी को ही समझा, मुझे नहीं समझा। I could just see baby's fingers moving, saw the baby breathing. I am the second doctor. I am mid husband. ये जो is related to midwife. यहाँ पे midwife होती है, who is better than nurse, I think ना? Right. हाँ, but like, midwife एक level ऊपर रहती होती है, तो इसीलिए केटी ने बोला कि he is mid husband. सबसे ऊपर है रे। हाँ, अलामुड़ा शाना। Are you interested in hormone replacement pellet therapy? जमाना किधर से किधर गया बाबा, मतलब एक दिन ऐसा है तुम लोग बोलो तुम लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ बोलो तुम लोगों को क्या चाहिए, सब मिलेगा सब। लॉलीपॉप का बराबर इस्तेमाल हुआ कि नहीं, अभी बोल मुझे। हुआ कि नहीं इस्तेमाल? एवरी टाइम मैं इधर जाता हूँ ना तो उधर काउंटर पे लॉलीपॉप्स रखता है, मैं वो पिक करता हूँ हमेशा, तो हमेशा मुझे चिढ़ाती है क्या छोटे बच्चों जैसे लेता है। तो आज भी मैंने लिया, लेकिन उसको अभी भूख लगी तो मैंने बोला ये ले और लॉलीपॉप खा, तो बोलती है थैंक यू। थैंक यू बोली, थैंक यू बोली नहीं, लेकिन यूज हुआ कि नहीं वो है, लॉलीपॉप से यूज हुआ कि नहीं, तो इसलिए बोलता हूँ बिलीव इन केटी, ट्रस्ट केटी। मैंने तो मेरा काम कर दिया, दूसरा लॉलीपॉप उठाया। अपॉइंटमेंट डन गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। दे आर नॉट श्योर येट, हम लोग घर पे भी जा सकते हैं या फिर। तो इसका माइंड थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है टू डिसाइड कि वेदर टू हैव फूड आउटसाइड और नॉट, यस और नो। फाइनली मैडम ने ये डिसाइड किया कि वो जो घर से चूड़ा लाया था वही खाएगी, तो हम लोग घर पे ही आए खाना खाने। है मेथी की सब्जी, सैलड, चिकन और रोटी। नूपुरा का प्लान हुआ टाटा फिश।
तो बुरा को एक्चुअली बाहर खाना था। ये लोग कम्प्लीटली मग्न है देखने में मूवी, तो मैं मेरा चाय का कप अंदर लेके जाता, तब तक थोड़ा काम जो है वो निपटाता हूँ। तो नुपुरा का मैटरनिटी शूट हुआ था ना, ये सब मेरे सामने है। इधर देखो, इधर नपुर करके डाला है, पुर नहीं रहे होगा, नुपुरा है। तो वो जो फोटो वाली थी उसने वो नपुर करके डाला है। पहले नाम चेंज करता हूँ उसके बाद बात करता हूँ। ये देखो अभी नाम तो चेंज किया, तो टोटल इधर 19 फोटोज हुए, लेकिन हम लोगों ने तो 20 बोले थे। लेकिन बाद में देखा एक को तो मैंने नंबर ही नहीं डाला था, चलो इसको 20 बनाते हैं। चलो तो मैडम का भी रिक्वेस्ट आया है, और ये फोटो दोनों डालना है इंस्टाग्राम। रिक्वेस्ट आया पापा, करना पड़ेगा, अपलोड करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बराबर 6 बजे ना तो ऑफिस का काम बंद करता हूँ और मेरा इंस्टाग्राम का काम या सोशल मीडिया का काम शुरू कर देता हूँ। और इसके बाद थोड़ा वर्कआउट, अगर सुबह नहीं किया तो वर्कआउट करता हूँ, अगर वर्कआउट नहीं है तो एडिटिंग पे बैठता हूँ, नहीं तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जिम जाने का मैं बहुत अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि कैसा है पता है, अगर मैं कुछ तो हैवी लिफ्ट करता हूँ और कुछ तो बैक पेन फिर से शुरू हुए तो बाद में फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। ये टाइम नपुरा का लेबर शुरू हो सकता है एंड वी मे एंड अप गोइंग टू द हॉस्पिटल। तो उधर मगज मारी नहीं चाहिए, फिलहाल के लिए ट्रेडमिल करता हूँ और फर्स्ट क्लास शार्क टैंक का एक एपिसोड देखता हूँ। मुझे स्टार्टअप करने का बहुत 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 शौक था, मैंने बीच में एक साथ भी किया था, उसके बारे में ज़्यादा बोलता भी नहीं। ट्रेडमिल डन बाबा, अच्छा लगता है भाई, एकदम माइंड रिफ्रेश होता है एक्सरसाइज करने के बाद। तो यूजुअली मुझे पसंद है सुबह करना एक्सरसाइज, लेकिन आज क्या हुआ, सुबह नहीं हुआ इसलिए आज शाम को कर रहा हूँ। और ये देखिए, देखो मैडम क्या कर रही है, जस्ट नहा धो के आई है, मस्त बॉल एक्सरसाइज कर रही है। अगर मुझे शार्क टैंक वालों ने मुझे सीजन 2 में बुलाया एज अ जज, क्या होगा? पहली चीज, व्हाई डू कॉल यू? माहौल थिएटर का फाउंडर हूं मैं, समझ क्या रखी है तूने? यू हैव टू इन्वेस्ट, नहीं पकड़ के चला, अगर मेरे पास है बाबा लेवल, मैं हूं, मैं एक्चुअली दे मैं बोल सकता हूं नुपुरा, तो एक्चुअली ना ये बराबर कर रही है, लेकिन बस उतना नहीं बोलता। सबको शार्क टैंक दिखाने शुरू किया, हाँ देता माँ, ये पहले US में था, अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है, बाकी के सब कंट्रीज में भी। अभी देखते हैं, आधा घंटा हुआ, देखते क्या करें ऊपर। तो मैं नीचे गया था जहाँ कुछ तो काम करने के लिए, मुझे लगा था ये लोग चेंज करेंगे, लेकिन किसने भी चेंज नहीं किया। तुम लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम लोगों को शार्क टैंक पता है तो ठीक है, उसका US वर्जन भी था ये भी पता रहेगा, इंडिया में हिंदी में आया है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है तुम लोगों को, अगर तुम लोग शार्क टैंक देखते हो देखो, नो प्रॉब्लम, एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन ट्राई टू वॉच द एपिसोड्स इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, और फैमिली को थोड़ा एजुकेट करना शुरू करो कि बाबा शार्क टैंक क्या है, स्टार्टअप क्या है, इंडिया में बिजनेस क्या क्या होते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, फैमिली सास बहू के एपिसोड्स देखते हैं और घर में वही वातावरण होता है, तो अगर शार्क टैंक देखते हैं तो उनको जरा सा पता चलेगा कि बाहर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, एंड दे विल अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट इट। उनको ये पता चलेगा कि क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में आ सकते हैं, ये पता चलेगा कि लोग कैसे बोलते हैं, ये पता चलेगा कि लोग कैसे ताने मारते हैं, और ये पता चलेगा कि वो सामने वाला कैसा रिएक्ट करता है। तो गाइज एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 अपने फैमिली के साथ बैठो और फैमिली के साथ ये शार्क टैंक देखो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अगर तुम लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।